बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये है मंगल का क्लिप और मैं आई थी अम्मी के यहाँ क्योंकि मुझे डॉक्टर के जाना था और साहब गए हुए थे ड्यूटी सुबह की शिफ्ट उनकी और बाबा को भी कहीं जाना था, तो इसलिए मैं घर आ गई थी अम्मी के यहाँ कि यहाँ से चली जाऊँगी, ठीक है। और बस ये मैं सुबह आ गई थी तो मैंने यहीं पर ही अब्रिश को तैयार किया था। अब ये मेरे पापा के यानी अपने नाना के फ़ोन में कार्टून देख रही है और दूध भी पी लिया इसने, नहा धो के सो गई। अब ये थोड़ा सा कार्टून देखा और फिर ये सो गई थी, ठीक है। और बस इसके बाद मैंने बस कुछ भी शूट नहीं किया और सैफ आ गए थे सात आठ बजे और फिर हम वापस घर की तरफ चले गए थे। और डॉक्टर बैठी नहीं थी उस दिन, जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि डॉक्टर नहीं बैठी। और फिर आते हुए हम जब मैं घर आ रही थी तो यहाँ पर एक शॉप है उसमें झूले लगे हुए, तो यहाँ पर हम रुक गए थे अब्रिश को झूला झुलाने के लिए। तो ये देखें कितना इंजॉय कर रही है, ये मज़ा आ रहा है इसको, तो बस इसको यहाँ पर हमने झूले झुलाए। और बस अब हम घर आ गए हैं और घर आके मैंने बनाया था कहवा क्योंकि बहुत खांसी वगैरह हो रही थी, थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ हो रहा था। तो मैंने पानी में गरम मसाले होते हैं साबुत वो डाल दिए थे, काली मिर्ची, लौंग, दालचीनी और थोड़ा सा अदरक और इलायची भी, ठीक है। वो डाल के अच्छी तरीके से पका के उसमें थोड़ी सी बिल्कुल चुटकी भर कलर के लिए पत्ती, 2 चम्मच चीनी और बस 2 कप बनाए मैंने तो 2 ग्रीन टी के बैग बस डाल के अच्छी तरीके से पका लिया है। तो ये हमारा हो गया कहवा तैयार। इसके अंदर हम ये करछी के जुशांदे डाल के पियेंगे तो इससे बहुत अच्छा आराम आता है। और बस अब्रिश सो गई थी आने के बाद, बहुत थक गई थी। तो ये है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग है तो नाश्ता वगैरह हो चुका है और मैं घर की अब सफाई शुरू कर रही हूँ क्योंकि कल मैं सुबह ही चली गई थी, कुछ भी नहीं किया था और बस आज करूँगी। तो मैं चादर सेट करके बिछा दूँगी अच्छे से, ठीक है।
अभ्रिश को तैयार करूँगी, तो पहले मैं इस्त्री कर लूँगी, प्रेस करनी है मेरे को अभ्रिश के कपड़ों पर और मेरे कपड़ों पर, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी पहले प्रेस कर लूँगी, उसके बाद मैं अभ्रिश को तैयार करूँगी। तो यहाँ पर अभ्रिश सो चुकी है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने यहाँ पर ये हाफ हाफ कप मूंग की दाल, मसूर की दाल और चावल ले लिए हैं, ठीक है। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर चिकन दलिया, तो उसके लिए मैंने एक कप दलिया लिया है और मैं इसको तेल में भून लूँगी। ये भूनता जाएगा, खिलता जाएगा, इसका कलर सब वाइट वाइट सा हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मसाले वाला दलिया बना रही हूँ, इसलिए मैंने तेल में भून लिया है, लेकिन अमूमन इसे घी में भुना जाता है, आप लोग घी में भून सकते हैं, ठीक है। तो बस मैं इसको भून लूँगी अच्छा सा, और इसके अंदर अपने हिसाब से आप पानी डाल दें जितना हमारी दालें गल जाएं और दलिया गल जाए, ठीक। ये जो दालें थी और जो चावल हैं वो मैंने पहले ही धो लिए थे और भिगो के रख दिए थे, ठीक है। दलिया भुन गया तो उसमें मैंने पानी डालकर दालें और चावल डाल दिया है, और इसमें डाला मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, ठीक है। इसको रखेंगे हम रख कर जब तक ये इस तरीके से गल ना जाए। देखें पूरी तरीके से गल चुका है। अब अलग पैन लिया है मैंने, इसके अंदर हम मसाला भूनेंगे अलग से। तो इसके लिए मैंने तेल डाला है पैन में एक बड़ा चमचा, इसमें एक बड़ी प्याज है ये, इसको इस तरीके से काट के मैंने डाल दिया। इसको हम फुल फ्राई करेंगे। इसमें डाला है मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा, ठीक है। कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे, ऐसा गोल्डन कलर आ गया है। तो इसमें डाला है मैंने चिकन, 1 कप चिकन है ये, हल्का हल्का कलर आ जाएगा। तो इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें मैं डालूँगी 2 टमाटर और 2-3 हरी मिर्चें चॉप की हुई, अच्छी तरीके से भूनेंगे। नमक डालेंगे हंस में जायका, लाल मिर्च डालेंगे 2 टीस्पून, हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, भूनेंगे इसको। तो हम मसाले यहाँ पर दलिए के हिसाब से डाल रहे हैं, ठीक है। तो बस इसमें आधा गिलास पानी डाल के इसको ढक के रखा है, भूनने पे आ गया, तेल रिलीज़ हो गया है। 1 टीस्पून डाली मैंने कसूरी मेथी, अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे, तेल रिलीज़ हो जाए इसका। बहुत अच्छा सा मसाला बन गया है, देखें तेल कितना छोड़ दिया इसने। तो बस अब हम इसको दलिए में डाल देंगे, और इस तरीके से दलिया बना के देखिएगा, बहुत मज़े का बनता है, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बना के देखिएगा बहुत अच्छा लगता है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ी हो रही है, तो अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी कर लें, चक्के देख लें, नमक वगैरह एडजस्ट कर लें, ठीक है। मैंने चक्के देखा, नमक कम था तो मैंने नमक डाल दिया है। अब मैं इसमें एक भंगार लगाऊँगी, ठीक है।
तो मैंने घी का भंगार लगाना है, तो मैंने घी डाल दिया है इसमें बड़ा चमचा, इसमें डाला है ज़ीरा, और आपके पास होल वाली लाल मिर्चें हो ना साबुत, वो डालिएगा, मेरे पास नहीं थी तो मैंने सिर्फ ज़ीरे का ही दिया है। और चूल्हा बंद करके इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी, और बस इसको भंगार देंगे, तो इससे कलर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी इन्हेंस होता है। ठीक है, तो भंगार लग चुका है इसके अंदर, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और बहुत मज़े का बनता है इस तरीके से, ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है, और बस रेडी हो गया हमारा दलिया। तो ये खेल रही थी और अब सैफ आ गए हैं, अभी अभी आए हैं, और बस इसने देख लिया, अब ज़िद्दें शुरू हो गई हैं, और बस ये अभी बैठे हुए थे, खेल रहे थे इससे, तो इसने इसका हाथ लग गया इनकी आँख पर, और फिर देखें क्या हुआ, ये देखें इनकी आँख को सही कर रही है ये फूंक मार मार के, ये देखें माशाल्लाह से। बस अब मैं फिर हम लोगों ने खाना खाया और मैं आ गई हूँ किचन पे, बर्तन धोऊंगी, किचन साफ़ करूँगी, और बस उसके बाद हम जाएंगे बाहर, क्योंकि हमें कॉल आया है, घर देखने आना है, तो बस हम घर देखेंगे जाके। तो हम लोग घर देखने गए थे लेकिन नहीं समझ में आया यहाँ पे, तो बस हम आने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ, अवरिश जाग रही है और मैंने चाय बनाई थी, और ये करछी के जो शांते हैं ये डाल के पियेंगे हम इसमें, और बस बिस्किट लाई थी मैं बाहर से, तो वो भी हम इंजॉय करेंगे। खैर अवरिश अभी तक जाग रही है और झूला झूल रही हैं ये, और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर, मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जब तक के लिए मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।